अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं आज काम पर से अपनी नेवी जी के साथ। और फ्रेंड्स, हमारा जो स्विमिंग पूल का काम है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कारपेंटर भाई आ गए हैं, अपना सामान वामान रख कर चले गए, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है। उन्होंने बोला मैं आ जाऊँगा शाम के टाइम पे, तो जैसे 4-5 बजे आ जाएंगे, और फिर उन्होंने बोला मैं काम स्टार्ट कर दूँगा। तो अभी वो सामान ऊपर उन्होंने रख कर चले गए, और हमारे जो ऊपर बर्ड्स हैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो मैंने आप लोगों को बताया था, हमारी ब्राउनी है, उसका पर थोड़ा सा दर्द, मतलब उसके पर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो अब उसका जो पर है वो सही हो गया है। थोड़ा सा अभी भी ऐसे ऐसे होता है, बट अभी वो सही है। और ये हमारे पिजन्स ये अपने अंडों पर अच्छे से बैठे हुए होते हैं। जब ये दोनों, ये मेल है ये फीमेल है, जब मैं देखता हूँ यही फीमेल बैठी हुई होती है, और दाना भी हम डालते हैं तो ये यहीं पर ही बैठी हुई होती है। और हमारे डायनासोर वगैरह सारे अंदर हैं। अभी तुम लोगों के लिए स्विमिंग बन रहा है बहुत जल्द। और वो रहे हमारे ब्राउनों की मिट्टी, इनके लिए हम स्विमिंग अब बना देंगे। 2-3 सामान वो भाई रखकर चले गए, लकड़ियाँ वगैरह ये ईटे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हमारे पास कबर्ड पड़ा हुआ था ब्लू कलर का, आप लोग सोच रहे होंगे वो कबर्ड कहाँ है। इनके बच्चा देखें अच्छे से फील करवाई हुई है, इसके पर जल्दी आ जाइए, बहुत बुरा लगता है। ये किस खाइश है? ओ, आइस खुल गई। ओ, आइस खोल दी तुमने? वो तो अभी बहुत छिटाई है। वो ये जिसको माँ बाप ने हीट देख कर निकाला है, और वो जो है जिसको हमने निकाला था। आइस खोल दी तभी ऐसे कर रहा है। और ये जो है हमारे सही है, ये जो एक शकील भाई लेकर गए थे, अब शकील भाई मैं पता नहीं क्या करेंगे उसका, उसको दवाइयाँ ववाइयाँ दे रहे हैं। और ब्लैक की हमारी येरी, ये हमारी ब्लैक की, हमारे ब्लैक की नहीं, अब मैं भी इसका नाम भूल जाता हूँ, राजा रानी, ब्लैक की नहीं राजा रानी। और ये रहे हमारे मेल, ये रहा हमारा कबर्ड, मजाक कर रहा था, कबर्ड हमारा कहीं नहीं गया है। अच्छा, ये था, मुझे लगा ये पिजन पता नहीं कहाँ गया, तो हमने ये यहाँ पर लगा दिया है। तो अब जिसको जहाँ बैठना होगा वो बैठेगा। देखे सारे लाइन से बैठे हुए, पर ये दोनों है, तुम उठ के ना चले जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम सब ऊपर सही हो। इनको यहाँ पर घर मिल गया है। और हमारी जो फीमेल्स हैं वो ये रही, ये सारी हमारी फीमेल्स हैं। जो हमने पिजन पकड़ा था वो मेल था, वो उसके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारा मजनू, ये डरा डरा हुआ है, ये हमारा यहाँ पर है, और हमारा पिजन यहाँ पर है, मैं आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ। ये हमारी लैला और मजनू, मजनू कल भाग रहा था ना तो इसके पाँव में चोट लग गई थी कल रात से, अब ये सही है, इसका हम खोलते नहीं है, फिर ये हमारे पीछे भागता है तो फिर इसके पाँव में दर्द होगा। और शाम तक हमारा जो स्विमिंग पूल है वो बन जाएगा, उसके सामान वगैरह ये हैं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ किससे बनेगा मुझे नहीं पता, बस अगले जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें हमारा जो स्विमिंग पूल है वो आप लोगों का कम्प्लीट नज़र आएगा। जो सामान है ये हमारे स्विमिंग पूल का नहीं है, मुझे लगा ये स्विमिंग पूल का है, बट ये स्विमिंग पूल का नहीं है। ये जो है केज, ये हमारे बच्चीज के लिए केज बनेगा, वो यहाँ पर बनाएंगे। उनको कारपेंटर भाई ने काम शुरू भी कर दिया था, बट उनको जो है ये वाली जाली कम पड़ गई थी, वो हम मच्छरदानी वाली जो जाली होती है वो उनको कम पड़ गई थी। और फ्रेंड्स, स्विमिंग पूल भी 2-3 दिनों में बन जाएगा, मुझे लगा ये स्विमिंग पूल का मटेरियल है, बट स्विमिंग पूल का नहीं है, स्विमिंग पूल की वो ईंटें वगैरह है और सीमेंट वगैरह आएगा। तो ये हमारा जो केज है ये आज शाम तक बन जाएगा, फिर कल मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और फ्रेंड्स, स्विमिंग पूल मैं कहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर बनवा, यहाँ पर तो नहीं बन सकेगा, हाँ बन भी जाएगा, यहाँ पर बनाओ इस कोने में, उस कोने में, या यहाँ पर, यहाँ पर भी हमें सही होगा क्योंकि ये लगा हुआ है गट्टा, तो पानी हम ऐसे वो करेंगे तो ये नीचे चले जाएगा, खोलेंगे निकाल तो ये पानी नीचे चला जाएगा जो ख़राब होगा। और ये अब हमारी पता नहीं लैला मजनू है या लैला है, देखो मजनू थोड़ा सही से अब चल भी नहीं सक रहा, इसको दर्द है तो उसकी मालिश भी हम करेंगे रात को, और शाम को कर देंगे उपकारी के बाद। और हमारे जो प्लांट्स हैं
ये अब ग्रो अच्छे से कर रहे हैं तो हम दो तीन और भी लेंगे। देखें फिर नए आ गए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा टाइगर और ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो चुका है मेरे साथ, और आज से ये बड़ा हो गया है तो हम इसको इसके माँ बाप के साथ नहीं छोड़ेंगे। ये अब से मेरे पास रहेगा टाइगर। ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो सकता है, ये खाना भी खुद खा सकता है और इसको माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका छोटा भाई अलग हो गया तो ये क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब से ये हमारे पास रहेगा। जैसे हमारा केज वगैरह बन रहा है तो अभी तो 4 बज रहे हैं तो रात होगी तो मैं आप लोगों को बनते हुए दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स इंशाल्लाह हमारे जो मुर्गे हैं और मुर्गियाँ हैं इनके लिए हमारे पास मुर्गे हैं तो बहुत ज़्यादा हैं हो गए हैं। अब हमें 2-3 मुर्गियाँ लानी होगी। इसके बाद शकीब भाई ने बोला है मैं गांव जाऊंगा तो वहां से ले आऊंगा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करा था, बताया 2-3 भाइयों ने कमेंट बताया था कि आप लोग अपने सेटअप पर रखें फिंचेस रखें डव रखें, तो इंशाल्लाह हम उसके बाद लेंगे। क्योंकि फ्राइडे मार्केट और संडे मार्केट जो लगती हैं वो रमज़ान में तो नहीं लगती होंगी क्योंकि इतनी गर्मी में कौन आता होगा। तो फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे ईद के बाद, फ्राइडे या संडे, ईद के 2-3 दिनों के बाद जाएंगे और ईद के 2-3 दिनों के बाद हम ले आएंगे ये सारे बर्ड्स। और अभी इन सबको इनकी डाइट देनी है। और हमारा जो टाइगर है वो अच्छे से ट्रेन हो गया है, वो उसको नीचे लेकर गया है भाई मेरा। और ये भी हमारे टाइगर जितने पिजन्स हैं बच्चे हैं, देखें ये भी हमारे टाइगर जितने बच्चे हैं। भाई तो आज हमारा वहाँ पर है क्योंकि वहाँ पर लड़ता है तो भाइयों को हमने वहाँ बंद कर दिया हमारे उस मुर्गी के साथ। और फ्रेंड्स जो आप लोगों को मैंने अपनी कजिन्स की मुर्गियाँ दिखाई थी वो आप लोगों को अच्छी लगी है नहीं मुझे कमेंट में बताया। और वो इंशाल्लाह हमारे जो वो है 25 का केस और स्विमिंग पूल वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगा। हमारे बच्चे इस पर ऊपर जाएंगे, केज हम वहाँ पर बनाएंगे पर रखेंगे कहाँ, घर पर या रूम में कहाँ पर भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।